इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर, बीजेपी को मिला है नया प्रदेश अध्यक्ष। किरण सिंह देव बने हैं नए प्रदेश अध्यक्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल चुका है। किरण सिंह देव बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, किरण सिंह देव जगदलपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी थे, उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी जतिन जायसवाल को हराया था। किरण सिंह देव रियासतकालीन जमींदार परिवार से ताल्लुक रखते हैं, वे महापौर भी रह चुके हैं। पेशे से अधिवक्ता किरण सिंह देव ने बीजेपी युवा मोर्चा से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। वे बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहने के अलावा बीजेपी पार्टी के जिला अध्यक्ष, प्रदेश मंत्री, प्रदेश महामंत्री भी रह चुके हैं और अब एक और बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी ने उनको दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, किरण सिंह देव बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। छत्तीसगढ़ में अब बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल चुका है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, एक और बड़ी जिम्मेदारी किरण सिंह देव को बीजेपी की तरफ से मिली है। हालांकि कई और पदों पर वो पहले भी रह चुके हैं, लेकिन एक बड़ी और नई जिम्मेदारी किरण सिंह देव को। अभिषेक, बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी किरण सिंह देव को दी गई है। हालांकि चर्चा में नाम उनका शुरू से था और अच्छी खासी मार्जिन से जीत हासिल की। बस्तर जैसी जगह से आते हैं, जगदलपुर से विधायक चुनकर आए हैं, महापौर रह चुके हैं, कई अहम पदों पर बीजेपी के रह चुके हैं। मंत्रियों के लिए जो चर्चा हो रही थी नाम में, उनका नाम भी वहां पर चर्चा में था, लेकिन चौंकाते हुए बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने किरण सिंह देव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। ये एक बड़ी बात यहां पर है और इसके जरिए क्या पूरे बस्तर को साधने की कोशिश है, आदिवासियों को साधने की कोशिश है। आदिवासी मुख्यमंत्री के बाद ये दूसरा चौंकाने वाला निर्णय बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व का, किरण सिंह देव के रूप में जिनको प्रदेश अध्यक्ष यहां पर बनाया गया है। और लंबी पारी खेलते रहे और दबंग व्यक्तित्व है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शशांक जी भी है, यहाँ पर उनसे हम चर्चा भी करेंगे। शशांक जी, किरण सिंह देव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, किस स्ट्रेटजी के तहत इसे देख रहे हैं? देखिए, ऊपर जो शीर्षस्थ नेतृत्व है वो जिस तरह से हर बार चौंकाता है, इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। लेकिन जो हम समझ रहे हैं उसके दो तीन आयाम है। पहला आयाम तो ये है कि अभी तक जितने भी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं छत्तीसगढ़ में, वो या तो मैदानी क्षेत्र से बने या तो फिर उत्तर छत्तीसगढ़ से बने। राज्य बनने के बाद अभी तक दक्षिण छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग से कोई भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने चूंकि दीपक बैज को वहां अध्यक्ष बनाकर संगठन की जिम्मेदारी दी हुई है, तो भाजपा ने इस बार दक्षिण बस्तर को साधने के लिए, क्योंकि 8-4 तो अभी भी है लेकिन एक लोकसभा क्षेत्र जो वहां पर है बस्तर का और कांकेर दूसरा लोकसभा क्षेत्र है, तो आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए हो सकता है कि रणनीति यह हो कि बस्तर से, क्योंकि किरण देव जी जो हैं उनके दो विशेषताएं हैं। पहला तो ये कि वे बस्तर के राज परिवार से आते हैं, भंजदेव परिवार से आते हैं। दूसरी विशेषता यह है कि किरण देव जी हमेशा संगठन के की राजनीति किए हैं, लंबे समय तक भाजपा के प्रदेश महामंत्री रहे, तो अब उनको चूंकि विधायक का टिकट मिला, जीत भी गए, तो एक बड़ी जिम्मेदारी संगठन में उनके काम के अनुभव को देखते हुए दिया है। बिल्कुल, तो देखिए संगठन में उनके काम करने का इनाम मिला है और बस्तर अछूता रह जाता था हर बार प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। और कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष जो जगदलपुर है, जगदलपुर के बिल्कुल पास चित्रकूट से आते हैं, या कहा जाए बस्तर सांसद दीपक बैज इस वक्त अध्यक्ष है, तो उसके भी कार्ड के तौर पर देखा जा सकता है कि भाजपा ने भी अपना प्रदेश अध्यक्ष बस्तर से ही दे दिया है। और अब कड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा, भाजपा ने चौंकाने वाला जो ये निर्णय लिया यहां पर है, कांग्रेस के लिए भी बड़ी चुनौती है। बस्तर से ही अपना प्रदेश अध्यक्ष भी भाजपा ने दे दिया है, तो दोनों ही पार्टियों के जो प्रदेश अध्यक्ष है अब बस्तर से आते हैं। किरण देव सिंह अनुशासित कार्यकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं
और जैसा कि शशांक जी बता रहे थे महामंत्री के तौर पर लंबा अनुभव रहा है, बस्तर में उनका पार्टी ने काफी इस्तेमाल किया है, तो पूरे प्रदेश को ध्यान में रखते हुए किरण सिंह देव पर भाजपा ने दांव खेला है, खासतौर पर जबकि सामने लोकसभा चुनाव है, एक बड़ी जिम्मेदारी उन पर है, एक बड़ा भरोसा उन पर नेतृत्व ने जताया है। बिल्कुल अभिषेक, कहा जाता है छत्तीसगढ़ में कि सत्ता की चाबी बस्तर से ही मिलती है, जिसने बस्तर जीत लिया सत्ता उसकी हो जाती है। बीजेपी ने बस्तर में अच्छा प्रदर्शन किया है, तो क्या इस अच्छे प्रदर्शन का फायदा किरण सिंह देव को पार्टी ने दिया है प्रदेश अध्यक्ष बनाकर, ऐसा भी हम देख सकते हैं क्या अभिषेक? अभिषेक मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? चलिए ठीक है, हम फिर से कोशिश करेंगे अभिषेक से संपर्क करने की, तकनीकी वजह से संपर्क उनसे टूटा है हमारा, हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे अभिषेक से और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो फैक्टर रहे कि बीजेपी ने किरण सिंह देव को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी है। जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार शशांक जी भी बता रहे थे कि एक बार फिर से बीजेपी ने सबको चौंका दिया, बीजेपी अपने फैसलों से सबको चौंकाती है और अध्यक्ष के ऐलान से भी बीजेपी ने सबको चौंकाया है, ये बात भी कही जा रही है। किरण सिंह देव के बारे में आपको बता दूं, जगदलपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं वो, कांग्रेस प्रत्याशी जतिन जायसवाल को 29,834 वोटों से उन्होंने चुनाव हराया। 61 वर्षीय किरण सिंह देव रियासतकालीन जमींदार परिवार से ताल्लुक रखते हैं, वे महापौर भी रह चुके हैं, पेशे से अधिवक्ता हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा से अपनी राजनीति की शुरुआत किरण सिंह देव ने की है। वे बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहने के अलावा बीजेपी पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे, प्रदेश मंत्री बने, महामंत्री भी रह चुके हैं और वर्तमान में चुनाव लड़ने से पहले बिलासपुर संभाग के बीजेपी के प्रभारी के तौर पर दायित्व संभाल चुके हैं किरण सिंह देव।